नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए सेवा योजन कार्यालय एक सुनहरा मौका लेकर आया है। विभाग आने वाले 27 अप्रैल को राजधानी देहरादून में रोजगार मेला लगाने जा रहा है। विभाग मेले के जरिए 900 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का दावा भी कर रहा है। इस मेले में देश भर की 7 कंपनियां भाग ले रही हैं। वहीं इस मेले में युवाओं को भाग लेने के लिए पंजीकरण की आखिरी तिथि 26 अप्रैल है। दिनांक 27 तारीख को एक रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास लगभग 7 कंपनियों की अभी तक कंफर्मेशन प्राप्त हुई है और लगभग जो वैकेंसीज हैं वो नियर अबाउट 900 के आसपास हैं। सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि इससे पहले इस तरह के मेले का आयोजन 4 नवंबर 2016 को किया गया था, जिसमें 275 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नौकरी दी थी और विभाग कोशिश कर रहा है कि हर 6 महीने में इस तरह के मेले का आयोजन किया जाए। तो लगभग 265 से प्लस बच्चों की नियुक्ति उनमें हो चुकी है और वो सक्सेसफुली वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और विभाग की मंशा है कि हर 3 महीने पे एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाए। प्रदेश भर में इस वक्त 19 लाख युवा बेरोजगार हैं, जिनमें से लाखों युवा प्रदेश से रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। वहीं सिर्फ देहरादून में 1,65,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। योगेश सेमवाल, APN देहरादून।